किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए इलेक्शन सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। देश में लगातार कोई ना कोई चुनाव आने की वजह से प्रचार, रिसोर्सेज, मैन पावर और धन खर्च का भार भी देश पर ही पड़ता है। इसलिए हर एक व्यू से इलेक्शन देश के खजाने के लिए भी एक भारी बोझ की तरह ही है, जिसको कम करने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक पार्टियों को वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के मुद्दे पर बातचीत करने का आह्वान किया, जिसमें कुछ लोग इनके फेवर में हैं तो कुछ लोग अगेंस्ट में। इसको लेके इसके एडवांटेज और इसके कंसर्न्स क्या क्या होने वाले हैं, आज इसी के बारे में बात करते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब है पैन इंडिया होने वाले सभी इलेक्शंस का एक साथ एक ही समय पर होना, यानी लोकसभा, विधानसभा और बाकी सभी लोकल बॉडीज जैसे म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को मिलाकर एक साथ इलेक्शन करवाना। इसको और आसान भाषा में समझे तो जैसे किसी घर में 10 लड़के हों और उन सबकी अलग अलग समय पर शादी करने के बजाय एक ही बार में सबको फेरे दिलाकर निपटा देना। जी हाँ, सही समझे, मास मैरिज कन्वेंशन यानी कि सामूहिक विवाह सम्मेलन। आजादी के समय से इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन ही हुआ करते थे, तो फिर ये सिमेट्री कैसे खत्म हुई, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में बिगड़ सकती है और वो है सरकार के भंग होने से। लेकिन सरकार भंग कैसे होगी, इसके भी तीन कारण है और ये तीनों ही कारण आपको पता होने चाहिए। पहला, आर्टिकल 83 और 172 के अनुसार अगर कोई सरकार अपने कार्यकाल से पहले अपना बहुमत खो देती है तो सरकार भंग मानी जाएगी। दूसरा, आर्टिकल 85 और 174 के अनुसार पीएम या सीएम खुद की चॉइस और राष्ट्रपति की सहमति से अपनी सरकार को भंग करके फिर से चुनाव करवा सकते हैं। तीसरा, आर्टिकल 356 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने या उस राज्य की सरकार को निलंबित करने का अधिकार है। इन सभी दशाओं में संविधान के अनुसार फिर से इलेक्शन करवाना होगा, जिसका कार्यकाल अगले 5 साल तक रहेगा। लेकिन इसके उलट पंचायती राज के लिए लिखा गया है कि अगर कोई पंचायत भंग हुई तो उसके इलेक्शन बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होगा। अब इन तीनों कारणों से सिमेट्री कैसे बिगड़ी, ये देखते हैं। भारत के आजाद होने से पहले सन 1946 में एक संविधान सभा का चयन इलेक्शन के बेस पर किया गया, जिसने सन 1947 में भारत में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। लेकिन जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो सबसे पहले अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक के बीच लोकसभा और विधानसभा के साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए। लेकिन सबसे पहले सन 1959 में इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करते हुए केरल की सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया, जिससे बीच में इलेक्शन करवाने पड़े और इसी वजह से सबसे पहले केरल की सरकार की सिमेट्री बिगड़ गई। उसके बाद इंदिरा गांधी ने सन 1970 में अपने खुद की चॉइस से खुद की सरकार गिराकर 1971 में फिर से सरकार बना ली, जिससे लोकसभा चुनाव की सिमेट्री बिगड़ी। और अगले कार्यकाल में 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान में संशोधन करवा कर अपना कार्यकाल एक साल के लिए बढ़वा लिया, जिससे लोकसभा चुनाव की सिमेट्री एक बार फिर से बिगड़ गई। सन 1977 में मोरारजी देसाई ने जनता पार्टी की सरकार बनाई, जिसको सिर्फ 2 साल के बाद ही इंदिरा गांधी सरकार ने फिर से गिरा दिया। इस तरह की उठापटक में 1977 से लेकर 1999 तक लगातार 22 साल तक कोई भी सरकार स्टेबल नहीं रह पाई, जिस वजह से लोकसभा की सिमेट्री बिगड़ती चली गई। अब इन सबके बीच में सिमेट्री बिगाड़ने में विधानसभा कहां पीछे रहने वाली थी। केरल को छोड़कर बाकी सभी विधानसभाओं की सिमेट्री सन 1967 तक सही चलती रही। लेकिन 1967 से 1969 तक नेताओं की दल बदल नीति के कारण कई राज्यों, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी की सरकार गिराने का ऐसा खेल चला जो अब तक की सबसे बड़ी दल बदल आंधी थी। उस समय 1966 में नए बने राज्य हरियाणा में मात्र 2 साल में 3 विधानसभाएं बनी। हरियाणा की दल बदल लहर में पलवल होटल के कांग्रेसी एमएलए गयालाल तो मिसाल ही बन गए। इन महाशय ने सिर्फ 15 दिन में 3 बार पार्टी चेंज करने का रिकॉर्ड बनाया। ये राष्ट्रीय कांग्रेस से जनता दल में गए, जनता दल से फिर वापस कांग्रेस में आ गए और फिर अगले 9 घंटे में फिर से जनता दल में जा पहुंचे। जिस तरह आजकल कोई फोटो या वीडियो वायरल होती है, उसी तरह इनकी भी दल बदलने की हरकत से आया राम गया राम वाली कहावत वायरल हुई। इन सबके बीच में केंद्र सरकार ने भी आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया। जब केंद्र में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी की केरल वाली हरकत से शिक्षा लेते हुए कांग्रेस शासित 9 राज्यों पर आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया और 9 के 9 राज्यों की सरकार गिरा दी, जहां फिर से विधानसभा चुनाव करवाए गए। लेकिन जैसे ही 1980 में इंदिरा सरकार फुल पावर से जीत कर आई तो उन्हीं 9 राज्यों में फिर से आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करते हुए वहां की सारी सरकारें गिरा दी।
इसी गिराने और उठाने के खेल में विधानसभाओं में साइमल्टेनियस इलेक्शन की धज्जियां उड़ चुकी थी और सिमिट्री की गाड़ी ऐसी पटरी से उतरी कि संभाले नहीं संभली और ना ही फिर इसको दोबारा वापस पटरी पर लाने के लिए सोचा गया। 1983 में इलेक्शन कमीशन और 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में फिर से साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने के लिए याद दिलाया गया, लेकिन तत्कालिक सरकार ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। अभी 2014 में चुनाव के दौरान बीजेपी ने साइमल्टेनियस इलेक्शन को अपने मैनिफेस्टो में भी ऐड किया। आखिर में 19 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई छोड़ो, गई बात पर मिट्टी डालो, चलो अभी फिर से सब एक साथ चलते हैं और साइमल्टेनियस इलेक्शन के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 21 राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई, जबकि इसमें कांग्रेस, सपा, बसपा और तृणमूल जैसी 16 पार्टियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। पर हाल ही में हुई बैठक में सरकार ने साइमल्टेनियस इलेक्शन की व्यवहारिकता को परखने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया और इसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को बनाया, जिसकी रिपोर्ट जल्दी आने वाली है। लेकिन सबसे पहले साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर कुछ सवाल उठते हैं। पहला कि क्या संविधान के वर्तमान ढांचे में साइमल्टेनियस इलेक्शन लागू करना मुमकिन है? दूसरा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन एक अच्छा कदम साबित होगा? और तीसरा, साइमल्टेनियस इलेक्शन का फैसला लोकतंत्र की समस्याओं को घटाएगा या फिर और बढ़ाएगा? इन सभी सवालों के जवाब साइमल्टेनियस इलेक्शन के कंसर्न्स और एडवांटेज में छुपे हैं। सबसे पहले इसके कंसर्न्स के बारे में पता करते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन के इम्प्लीमेंट होने से विधानसभा के वर्किंग टर्म्स में कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि ज्यादातर चेंजेस सिर्फ वन टाइम के लिए देखने को मिलेंगे। एक तो बड़े लेवल पर नई ईवीएम और वीवीपीटी मशीन खरीदनी पड़ेंगी, जिसमें बहुत सा धन और समय लगने वाला है। अक्सर राष्ट्रीय और स्टेट के चुनावी मुद्दे अलग अलग होते हैं, सो एक ही टाइम में चुनाव होने की वजह से राष्ट्रीय मुद्दों के सामने स्थानीय मुद्दे दम तोड़ते नजर आएंगे, जिससे स्थानीय पार्टियां कमजोर पड़ सकती हैं। रीजनल पार्टीज को एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज भी देखने को मिल सकता है। जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस के वक्त ज्यादातर वोट डोमिनेटिंग पार्टी यानी जिसकी लहर चल रही है उसको ही मिलने के चांस रहेंगे, या फिर वोटर का झुकाव एक ही पार्टी की तरफ हो सकता है। ज्यादातर वोटर का झुकाव सेंट्रल पार्टी की तरफ ही ज्यादा होता है, मतलब सेंट्रल, स्टेट और अदर लोकल बॉडीज के बीच में जो वोट स्प्लिट है वो एक यूनिफाई होने के चांस रहेंगे। लेकिन अभी 2019 में हुए आम चुनाव के दौरान चार राज्यों उड़ीसा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के इलेक्शन के नतीजे देखे तो ये सब एक अपवाद ही लगता है। इस तरह के कई शॉर्ट टर्म नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेंगे, लेकिन एक बार इम्प्लीमेंट होने के बाद कई परमानेंट एडवांटेज भी देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिया में लगातार कोई ना कोई चुनाव आता रहता है, जिस वजह से जीती हुई पार्टी बार बार इलेक्शन के चक्कर में उलझ कर काम पर फोकस नहीं कर पाती है और अपना काम छोड़कर रेवड़िया बांटने में लग जाती है। कई बहुत बड़ी पॉलिसी सिर्फ इसीलिए छोड़ दी जाती है कि सरकार को डर लगता है कि इससे वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा, और फिर उसी दौरान आचार संहिता लागू हो जाने के कारण आखिर में वो पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार होकर पड़ी रह जाती है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी अपने किए हुए झूठे वादों से मुकरने का बहाना मिल जाता है, जिसकी वजह से देश के ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी काफी असर पड़ता है। इस कंडीशन में ये एक टाइम मैनेजमेंट की तरह काम करेगा। पूरे कार्यकाल के दौरान सरकार इलेक्शन जीतने के बजाय नीतिगत फैसले लेकर उनको पूरा करने पर फोकस करेगी। प्रेजेंट इलेक्शन सिस्टम में देश का मैन पावर और अदर रिसोर्सेज ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। देश के 10 लाख पोलिंग स्टेशन पर लगभग 1 करोड़ सरकारी एम्प्लॉइज को बार बार अपना काम छोड़कर इलेक्शन के लिए रिडायरेक्ट होना पड़ता है। मान के चलिए किसी सरकारी टीचर को 5 साल में एक बार बच्चों की पढ़ाई छुड़वा कर चुनावी काम पर लगा दिया जाता है तो चलता है, पर अगर इसकी जगह 4-5 बार ऐसा किया जाता है तो ये एक तरह से मिसयूज ही माना जाएगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन के इम्प्लीमेंट होने से सरकारी मशीनरी चुनावी गतिविधियों के बजाय देश के डेवलपमेंट पर फोकस करेगी और सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। एवरेज एक 5 साल के कार्यकाल के सभी चुनाव का कुल खर्च 40,000 करोड़ आता है। अब इसमें राजनीतिक पार्टी फंड से होने वाला खर्च अलग है, जो कि इससे भी 4-5 गुना ज्यादा आता है, जो कि कहीं ना कहीं पूंजीवाद के थ्रू जनता की जेब से निकलने वाला है और इसी वजह से करप्शन को बढ़ावा मिलता है। जबकि साइमल्टेनियस इलेक्शन इम्प्लीमेंट होने के बाद वही खर्च 1/4 पर यानी कि 10,000 करोड़ में सिमट जाता है और ये बची हुई रकम एक डेवलप होती हुई कंट्री के लिए बहुत बड़ा मायने रखती है। इलेक्शन के दौरान जो ब्लैक मनी भर भर के गाड़ियों में पकड़ी जाती है, कहीं ना कहीं उस पर भी लगाम लगेगी। जनता सरकार की नीतियों और उनके किए हुए कामों को सेंट्रल और स्टेट वाइज परख सकेगी कि किस पार्टी ने कितने वादे किए और कितने पूरे हुए। चुनाव के समय देश में राजनीतिक पार्टियों द्वारा चलाई हुई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपने चरम पर होती है, जिससे देश में धार्मिक और जातिगत दंगे होते रहते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन के इम्प्लीमेंट होने के बाद इसमें भी कमी आने वाली है, मतलब अब नेता लोग जनता को 5 साल में सिर्फ एक ही बार लड़वा सकेंगे, बेवजह कोई क्यों पैसा खर्च करेगा। इससे कहीं ना कहीं देश की एकता पर भी फर्क पड़ेगा। आखिर में इन सबके बावजूद भी कई सवाल निकल कर आते हैं। जैसे कि मान लिया चलो साइमल्टेनियस इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो क्या गारंटी है कि सरकार फिर से भंग नहीं होगी, साइमल्टेनियस इलेक्शन की सिमेट्री फिर से नहीं बिगड़ेगी? जवाब है कि इसमें बहुत कम चांस है, क्योंकि 1985 के दौरान 52वें संविधान संशोधन में एंटी डिफेक्शन लॉ को 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ दिया गया है।
और इसमें जो भी थोड़ा बहुत लूप होल था उसको 2003 में थोड़ा और संशोधन करके दल बदल प्रक्रिया को बिल्कुल मुश्किल कर दिया है। इसी वजह से 2003 के बाद से इस तरह के मामलों में पहले की तुलना में बहुत कमी आई है। इधर 1994 में कर्नाटक के सीएम एसआर बोम्मई समेत 6 राज्यों की सरकार गलत तरीके से गिराने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि आर्टिकल 356 के तहत यदि केंद्र सरकार राज्यों से चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करती है तो कोर्ट इसके कारणों की समीक्षा कर सकता है और केंद्र सरकार को उससे जुड़ी सामग्री उपलब्ध करवानी पड़ेगी। और साथ ही साथ राज्यपाल को भी हिदायत दी कि किसी भी राज्य सरकार को बहुमत है या नहीं इसका फैसला राजभवन की जगह विधानसभा में होना चाहिए। इसके अनुसार अब आर्टिकल 356 का यूज लगभग नामुमकिन हो चुका है, लेकिन फिर भी एक साथ चुनाव का कॉन्सेप्ट यूएसए की तरह अध्यक्ष शासन व्यवस्था में तो चलता है, क्योंकि कोई सरकार 5 साल तक गिरे ही ना, ऐसा सिर्फ अध्यक्ष शासन व्यवस्था में ही हो सकता है। इंडिया जैसी संसदीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। तो फिर अगर कोई सरकार फिर से भंग हो जाती है तो उस कंडीशन में जो नई सरकार चुनी जाएगी वो बचे हुए समय के लिए होगी या फिर अगले पूरे 5 साल के लिए, या फिर कोई और रास्ता निकाला जाएगा। देखा जाए तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी करने पड़ेंगे। संविधान के संसद और राज्य विधानसभाओं से जुड़े आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356 को बदलने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, राष्ट्रीय मुद्दों के सामने स्थानीय मुद्दे हल्के पड़ने के कारण स्थानीय विकास की स्पीड स्लो पड़ जाएगी, जिस वजह से स्थानीय पार्टियां भी कमजोर पड़ जाएंगी। इस कंडीशन में वोटर की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अपनी धार्मिक या जातिगत भावना को त्याग कर हर एक पार्टी को अपनी समझ से हर एक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अपना वोट दे, वरना किसी भी वरदान को श्राप बनते हुए देर नहीं लगती।